वेलकम यू ऑल टू माई चैनल एस एस सी स्मार्ट क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो सी जी एल 2019 का जब से रिजल्ट आया है, स्टूडेंट काफ़ी शौक हुए पड़े हैं इतनी हाई कट ऑफ को लेकर के, काफ़ी पैनिक भी थे, लेकिन जो कट ऑफ उन्होंने मैंशन की हैं इससे तो कहीं ज़्यादा जो है वो फाइनल आपकी जब सिलेक्शन होगी तब कट ऑफ जाएगी। तो ये तो सिर्फ एक आपको मैंने थ्रेशोल्ड लेवल बताया था कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने बताई थी। और मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं की थी, मैंने आपको जस्ट थ्रेशोल्ड लेवल बताया था जो कि एक लगभग एग्जैक्ट ही आंकड़ा है वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके। और वो जो आपको एनालिसिस बताया था मैंने कट ऑफ और वैकेंसीज को लेकर के बताया था, उसमें जब मैंने वीडियो बनाई थी डिटेल वीडियो जिसमें मैंने कैसे कैसे सारी चीज़ों का एनालिसिस किया है, तो लगभग 17 से 18 मिनट की वो वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो वो वीडियो। लेकिन इस वीडियो में थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन थी। उस वीडियो में एक्चुअली मैंने आप ये जो वैकेंसी होती है JSO की वो उसमें स्टैट्स इन्विजिलेटर ग्रेड सेकंड वाली वैकेंसी जो है वो मैंने इंक्लूड नहीं की थी, तो वो सब्ट्रैक्ट होनी थी, तो ये छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी। तो मैं आपको जनरल की कैटेगरी की बताता हूँ, EWS की, SC ST और OBC की, कि DEST के लिए अब क्या कुछ रहने वाला है, क्या थ्रेशोल्ड लेवल रहने वाला है वो आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे फिगर ही बताऊँगा, एनालिसिस कैसे की है वो जानना है तो आप डायरेक्टली जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वहाँ पर चले जाइएगा। देखिए जो आपकी UR कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी वैकेंसीज बचती हैं CPT के बाद, CPT की जो टोटल वैकेंसी टोटल कैंडिडेट जो सिलेक्ट होने थे 1187 जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट होने थे, तो DEST के बाद जो टोटल आपकी सीट बचती थी वो आपकी 321 बचती थी टोटल। जिन अब ये जो 321 कैंडिडेट जो थे जिनके मार्क्स जो थे 624 से कम थे, लेकिन ये जो 321 वैकेंसीज बचती थी वो EWS वाले, क्योंकि EWS वाले जो हैं वो अपनी कैटेगरी में भी सारी पोस्ट भरने के बाद भी बच रहे हैं जिनके 624 मार्क्स हैं, अब वो कहाँ पे जाएंगे, वो सीधा जाकर के जनरल में फिलअप करेंगे। तो वो कैंडिडेट्स कितने बचे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वो कैंडिडेट जो बचे EWS के, ये कैंडिडेट आपके बचे, दो मिनट, आपके 228 तो आपके पहले बचे थे, लेकिन अभी क्या है, हाँ जी अभी 312 जो वैकेंसीज हैं वो EWS के लिए बची थी, मतलब EWS ने CPT और DEST भरने के बाद भी 312 कैंडिडेट ऐसे बचते हैं जिनके 624 प्लस मार्क्स हैं, 624 प्लस मैंने बोला है, तो वो बच्चे जनरल में चले जाएंगे। जनरल में मैंने आपको कहा कि 321 बची थी सीटें, मतलब जिनके 624 से कम थे, अब वो 321 में से ये वाले बच्चे आ जाएंगे जिनके 624 प्लस हैं, तो 321 में से 312 निकाल दिए, साथ में फिर वो वाली वैकेंसीज भी स्टैट्स इन्विजिलेटर वाली वैकेंसी भी निकालनी पड़ेंगी, तो वो आपकी वैकेंसीज निकाल करके वो लगभग 341 वैकेंसी थी, तो माइनस के 332 जाता है, यानी कि 332 लोग ऐसे हैं जिनके 624 प्लस मार्क्स हैं, वो आपस में कॉम्पिटिशन करेंगे सिलेक्शन लेने के लिए, मतलब उनमें भी कितना कंपटीशन है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो आपकी DEST के लिए जो कट ऑफ है ये 624 प्लस से तो बहुत ज़्यादा जाएगी, अभी कितनी जाएगी क्योंकि मेरे को मार्क्स वर्सेस रैंक नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जाएगी, 630 तो मैं आराम से बोलूँगा कि आपको आराम से चली जाएगी DEST के लिए। गनीमत है, जहाँ पे पिछली बार आपको 620 मार्क्स पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक की पोस्ट मिल रही थी 2018 में, अभी 630 प्लस मार्क्स के बाद आपको DEST के लिए आप सोच सकते हो। इसके अलावा मैं आपको इसके OBC की बता देता हूँ, OBC में भी बस मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखी है वो वाली पुरानी जो एनालिसिस वाली है, उसमें 663 कैंडिडेट ऐसे बचते थे, ठीक है, जिनके 624 प्लस से मार्क्स कम थे, तो अभी के वक्त जो कैंडिडेट हैं, जो स्टैट्स इन्विजिलेटर वाले कैंडिडेट हैं ग्रेड सेकंड वाले, तो उसमें से 226 हैं, वो मैंने इसको माइनस कर दिए, तो 137 कैंडिडेट बचे, ठीक है, यानी कि 137 कैंडिडेट के अभी मार्क्स जो हैं वो 624 से कम हैं, और टोटल जो कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 593 प्लस से लेकर के 624
के बीच में मार्क्स है, 593 से लेकर के 624 के बीच में इनके मार्क्स हैं। टॉप 137 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3033 कैंडिडेट, यानी कि लगभग 3000 कैंडिडेट में से क्रीम जो 137 बच्चे छांटने हैं, तो वो तो 624 के पास होंगे ना। तो यानी कि ओबीसी की जो आपकी थ्रीशोल्ड लेवल, ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये इतना ही होने वाला है, 624 के आसपास ही रहेंगे ना वो कैंडिडेट। 622 तक जा सकते हैं, 623 तक जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का 624 प्लस तो डायरेक्टली है, लेकिन मैंने कहा ना कि ईडब्ल्यूएस के इतने सारे कैंडिडेट ऑलरेडी हैं और वैकेंसीज जो है वो है नहीं, तो जिनके मार्क्स ही 624 से तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी जनरल से भी ऊपर जाएगी। और एससी एसटी का मैं आपको बताऊँ तो एससी की आपकी जो वैकेंसीज हैं वो लगभग 582 बची, और जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 2000 कैंडिडेट हैं, और 547 प्लस मार्क्स हैं इन सब के। और टॉप 2000 कैंडिडेट में से आपको 582 जो कैंडिडेट है वो निकालने हैं, ठीक है। अब वो 582 जो कैंडिडेट्स होंगे उनके जो मार्क्स होंगे वो कितने ज़्यादा होंगे, क्योंकि लगभग 2000 वाले जो रैंक वाले हैं उनके मार्क्स ही 547 प्लस हैं, तो उसमें से टॉप अगर आपको 582 निकालने हैं तो उनके मार्क्स इतने ज़्यादा होंगे। इसी तरह से एसटी वाला जो है उसमें लगभग 310 के आसपास वैकेंसीज बचती हैं, जिनके मार्क्स जो हैं वो आपके 525 प्लस हैं, और लगभग 1000 कैंडिडेट्स जो ऐसे हैं जिसमें से आपको 310 निकालने हैं जिनके मार्क्स 525 प्लस हैं। अभी जो जो टॉप के आप 310 निकालोगे उनके मार्क्स 525 प्लस तो कितने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि क्रीम निकालने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और डिटेल एनालिसिस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे चले जाइएगा। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि उसमें बस मैंने एक गलती कर दी थी, मैंने स्टैट्स इन्विजिलेटर ग्रेड सेकंड वाली वैकेंसीज जो है वो इंक्लूड नहीं की थी। एनालिसिस किस बेसिस पे हुआ है वो सारा आपको उसमें पता चल जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और CGL 2020 की डेट आ गई है, जस्ट CHSL के बाद ही अगले दिन ही इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है 13 अगस्त से, तो अपनी तैयारी कर लीजिए। स्पेशली मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, बाकी के लगा सको ना लगा सको इसके ज़रूर लगाइएगा आपको मैथमेटिक्स के। और ज़्यादा ध्यान आपको देना है इंग्लिश के वोकैब सेक्शन पर, मैथमेटिक्स पर, रीजनिंग पर, इन पे ध्यान देना है। जीके पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि जीके जो है वो आपकी अनएक्सपेक्टेड ही आती है, उसमें अगर आप 14 से 15 क्वेश्चन कर दोगे तो बहुत सफिशिएंट है, इतने मार्क्स आपके 30 मार्क्स अब 50 में से आ गए तो वो भी सफिशिएंट है। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।